चोरों की तरह आप कंध टप के आए हो हैं? अभी भी पढ़ रहा, घर पे पढ़ के नहीं आया हैं? ओए अब चल, अब तो बस में ही घर जाएंगे ना भाई। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं पैदल चलते चलते, उसके हैं हैं रहने दे यार, ये लाल लाल मोली ले। अच्छा लाल लाल गाजर होती है। तो भाई स्वागत है आपका हमारे इस न्यू ब्लॉग वीडियो में। और जैसे कि गंजा टोपी वा क्या है कि किसी को ना पता ना लगे, है ना भाई कि तू गंजा हो रखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये टोपी खींचे हुए तो देखे जुगाड़ लगाया हुआ था। तो अभी तो जैसे कि हमारा आज पेपर है ना भाई, पेपर है कितना पेपर किस? है इसको यही नहीं पता होता कि इसका पेपर है, मेरा तो फिजिकल का पेपर है। पेन से लिखना ही है और क्या करना है यार। तो अभी हम जा रहे हैं आज पैदल पैदल कॉलेज, बस से आए थे। तो अभी जाके पहले पढ़ाई करेंगे क्योंकि 1:30 बजे हमारा पेपर है ना, और अभी 10 बज चुके हैं। ठंड की वजह से हम बाइक नहीं लेके आते हैं, अब ठंड बहुत होती है इसीलिए। ठीक है तो अभी पहले ग्राउंड में चलते हैं, वहाँ पे ना पढ़ाई करेंगे हम। कंध टप भाई, यहाँ पे कंध टप रहा है अभी रजनीश, शुक्र है तूने देख लिया। अभी ओ जाके वहाँ पे पढ़ेंगे हम। कैसा लग रहा है आपको कंध टप के बताओ पहले, चोरों की तरह आप कंध टप के आए हो हैं? फिलहाल तो कुछ देख रहा जूम कर, कुड़ियाँ ही देखेगा भाई ये, बस और कोई काम नहीं है इसको। यार भाई देख रहा ग्राउंड में कौन कौन आया, कौन कौन ग्राउंड में, मैं दिखाता जूम करके कौन है। ऊपर पैंट गंदी कर रहा साला फालतू में, चल पढ़ रहा अभी। अभी भी पढ़ रहा, घर पे पढ़ के नहीं आया हैं? ओए ओए गंजे, गंजे सुनता ही नहीं भाई। और पढ़ रहे भाई, तेरे को इतनी देर से बोल रहा हूँ, वीडियो एडिट करी जा रहा, फोटो खींची रहा जा रहा बस अपनी। तो खाएगा ही मुक्के लात, पढ़ ले भाई। वही अभी अब हमारा पेपर का टाइम हो गया, पेपर देने जा रहे हैं हम, है ना भाई? पेपर ही देने जा रहे हैं। इसका मुंह देख के पता लगा सकते हो भाई, इसने अभी तक ना कुछ नहीं पढ़ा। इसको इतनी देर से बोल रहा हूँ पढ़ ले पढ़ ले, इसने एक क्वेश्चन पढ़ा शाबाश। मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया है, ठीक है? पेपर में लिखे ना लिखे रिवीजन करनी तो जरूरी है ना भाई, जब इसने पढ़ा ही नहीं होगा तो लिखेगा क्या है? तो अभी 1:30 बजे है, अभी 1/2 घंटा पढ़ा है। तो अभी हम जा रहे पेपर देने पहले, फिर उसके बाद पेपर वगैरह दे के फिर आपसे मिलते हैं हम। 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later। ओ भाई अब हमारा पेपर खत्म हो चुका है मेरा तो, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। अभी पहले फोन है, ये है अनुष का फोन, रजनीश का फोन, एक फोन और जेब में, तो वो देके फिर उसके बाद घर जाएंगे। पेपर तो ठीक ठाक ही हो गया मेरा, जैसे कि जो क्वेश्चन पड़े थे वही आए वैसे। तो भाई कैसा गया पेपर? एंड आता जाता है नहीं कुछ इसको, इस बार तो मैं लिख के आया जो मर्जी कर ले। क्या लिख के आया इस तो ठीक गया भाई, एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सोचे भी नहीं थे कि आएंगे, बट आ गए। अब चल, अब तो बस में ही घर जाएंगे ना भाई। अभी हम रास्ते में जा रहे हैं पैदल चलते चलते, उसके बाद बस लेंगे, वहाँ से फिर जाएंगे मंडी के पास, मंडी के पास बाइक खड़ाई है ना, फिर उसके बाद बाइक उठा के घर। तो बस में भीड़ भड़के में जाएंगे, जिसमें भीड़ भड़के में जिसमें ज़्यादा भीड़ होगी। मतलब क्या, तेरा ज्यादा भीड़ होगी जाएंगे उसमें? ये बॉय हैं हैं रहने दे यार। बोल अब बोल, मैं डैडी कह रहा था बोल ना, ये मंडी है ही जो करते थे ना, इतनी इतना रश रहता था ना। अब बोल ना, अच्छा ना ये आलू ले, गोभी ले, प्याज ले, टमाटर ले, भाई मंडी है जैसे कि लाल लाल मूली ले। अच्छा लाल लाल गाजर होती है। तू चुप रे
हमारे नवे मेंबर भाई, हमारी वीडियो में एक नवा बंदा आया है, ठीक है, हमारे कॉलेज के ही है। आपका पेपर कैसे हुआ है बताओ? बढ़िया हुआ, ठीक है। अब कब है पेपर आपका? 16 तारीख को। अच्छा, इनका पेपर 16 को है, हमारा तो भाई 15 को है ना भाई। 15 तारीख को पेपर है, तो हम मिलेंगे परसों, आएंगे फिर से पेपर देने, है ना? ठीक है, तो अभी तो हम जा रहे हैं, बस का वेट कर रहे हैं, देखते बस मिलती नहीं। ये तो भाई साहब ट्रेन में जाएंगे, पास बना हुआ इनका, तो गरीब आदमी है। अभी हम बस में दिखाते हैं आपको, बस में क्या हरकतें करता है रजनीश। जनता देख सकते हो, बस करके बस रुकनी है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई अब टिक्की खाएंगे, अभी कुलचा खा के हटाइए। भाई भूख तो लग रही है, इसलिए खाना पड़ेगा। घर पे अभी खाना नहीं बना है, आशु की रेडी। गंजे का गंजापन। A few moments later. राम दादा